मैं डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो अपने दांतों में वायर नहीं बंधवाना चाहते, तार नहीं बंधवाना चाहते। कई लोगों का अपना पर्सनल चॉइस होता है, कई लोगों का एज इतना हो जाता है, वर्किंग जॉब में होते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो तारों के साथ जो है वो नहीं जाना चाहते। तो चलिए आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो हमारे पास भी एक पेशेंट आई थी जिनकी एक हफ्ते बाद में ही शादी थी और वो अपने टेढ़े मेढ़े दांतों से काफ़ी परेशान थी, जिसके लिए वो जल्दी से जल्दी अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना चाहती थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में कि हमने उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया, कितनी जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो गया, इस ट्रीटमेंट को किस तरीके से करते हैं, और साथ ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इनका पहले का और बाद का फोटो कैसा है, ताकि आप डिफरेंस देख सकें कि ट्रीटमेंट से पहले कैसे दांत दिखते थे और ट्रीटमेंट के बाद में कैसे दिखते थे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है, मेरा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में। कोई यहाँ कर अपना इलाज करवाना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो आप मेरी साइड में फोटो देख रहे हैं, पेशेंट हमारे पास इस कंडीशन में आए थे। उनके साथ में क्या इशू था कि उनके जो सामने के दांत थे वो एक के ऊपर थे और जो साइड वाले जो दांत थे, यानी आपके जो सामने के जो दो दांत होते हैं, हमेशा जो दांत थे वो पेयरिंग में चलते हैं, यानी जोड़े के साथ चलते हैं। तो जो फ्रंट के जो दांत थे वो ऊपर एक दूसरे के ऊपर थे और उसी की वजह से जो उनके साइड वाले जो दांत थे वो उन दोनों दांतों के नीचे थे। तो इस वजह से क्या रहा कि उनका ये वाला जो हिस्सा था वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। इसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे कि उनका जो है ये टेढ़े मेढ़े दांत जो है वो एक जैसे दिखने लगे, एक लाइन में दिखने लगे, एक के ऊपर ना चढ़े। तो इसीलिए हमने उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, स्माइल डिजाइनिंग ट्रीटमेंट। इसमें क्या रहता है, जैसे ही उनकी स्कैनिंग हुआ, पूरा मॉडलिंग तैयार हुआ, उसके बाद में हमें ये पता चलता है कि किस दांत का कितना मेजरमेंट होना चाहिए, किस जगह से उसको रिड्यूस करना है, कहाँ से उसमें एडिशन होना चाहिए। तो इन्हीं सारी जानकारी के बाद में हमने पेशेंट को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करा और उसके बाद में हमने उनकी जो है मॉडल तैयार किया, मॉडल पे उनको सारी चीज़ें दिखाई। उनको अपने मॉडल पे जब सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो इसके बाद ही उनके ऊपर ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करने के बाद में मैं आपको उनका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। जो हमारे ये ट्रीटमेंट है ये पूरा पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पेन हो रहा है या ट्रीटमेंट कराने के बाद में आपको काफ़ी लंबे दिनों तक पेन हो रहा है या फिर ट्रीटमेंट के दौरान आपका बहुत इंटेंस ट्रीटमेंट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ट्रीटमेंट बहुत नॉर्मल है, सेफ है और ये ट्रीटमेंट आपको बार बार भी नहीं करवाना होता, ये परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे, आप जो इस साइड में फ़ोटो देख रहे हो ये इनकी आफ्टर की फ़ोटो है और ये इनकी बिफोर की फ़ोटो है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि इधर जो इनके जो एक के ऊपर एक दांत चढ़े हुए हैं वो मेरे पास इसमें जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट जो है वो हो गए हैं। तो इसी तरीके से मेरे पास जो है वो कम्प्लीट सेट बन के आ जाता है। उसके बाद में हम पेशेंट के पास में इस चीज़ को फिक्स कर देते हैं। तो पेशेंट अपने लुक से काफ़ी ज़्यादा खुश था। ये जो ट्रीटमेंट था ये उनका सिर्फ 4 दिनों के अंदर कम्प्लीट हुआ था। तो अगर आप लोग भी अपने दांतों को जल्दी से जल्दी ठीक करवाना चाहते हो और अपने दांतों में वायर नहीं बंधवाना चाहते हो और आपकी जो उम्र है वो 20 साल से ऊपर है, 25 साल से ऊपर है, तो आप ये ट्रीटमेंट इजीली करवा सकते हो। तो होपफुली आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बिफोर एंड आफ्टर के फोटो देख के आप पहचान सकते हैं कि कितना चेंज जो है वो आ गया होगा। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अभी भी आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको भी आपके दांतों का इलाज हमसे करवाना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये वीडियो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस ट्रीटमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।